तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हां मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोगों को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि का मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली है वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोग को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मैं दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरूलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों कि जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किस कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी, भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूं जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूं मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मिका मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किस कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी, भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोग के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जा कर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि का मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों का थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोग को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दूं दूँ कि मेरे दोस्तों की ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाक़ी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हां मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोग के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मैं दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोबारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि का मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किसी महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली है वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे कि मेरे दोस्तों की ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग-अलग तरीके -अलग का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुका है और मैं बता दूँ कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है सिरुलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दू आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफर का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों आ, मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किस महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी, भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता देती कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरूलेरू निकोबारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूं मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफर का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों आ, मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दूं दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मैं दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग-अलग तरीके -अलग का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है सिरूलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोगों को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा UH! क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे दूँ कि मेरे दोस्तों की ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय 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 हिंद भारत माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग-अलग तरीके -अलग का इनका भी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूं मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहां पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका अनुमाना जो है धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों कि जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता है क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मिका मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किसी महेश बाबू जो है कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो थो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूं जी हां मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरूलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली है वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोग को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाक़ी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हां मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूं मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मिका मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोग के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सेलेरू निकोवारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोगों को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि का मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किसी महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं दू मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे कि मेरे दोस्तों की ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोबारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता है क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मिका मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किसी महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर इसका गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोग को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे दूँ कि मेरे दोस्तों की ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग-अलग तरीके -अलग का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है सिरुलरू निकोबारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफर का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों आ, मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किस महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी, भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा का तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता देती कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोग को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूं मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफी ज्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दूं दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरूलेरू निकोबारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली है वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी, भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे 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 भाई बाकी मेरे दोस्तों दोस्तों अगली रिव्यू मूवी के के साथ में तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मैं दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोग को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गाँव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो है धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें एट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफर का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों कि जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहती है आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मिका मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के किसी महेश बाबू जो है कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाकी मेरे दोस्तों मिलूंगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हाँ मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मैं दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है सिरूलेरू निकोवारू जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूँ आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे को पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूं एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस ट्रेन उस में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोग को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दूँ कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाक़ी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों तो हेलो मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेकर के आ गया हूँ जी हां मैं दोस्तों वो भी साउथ इंडस्ट्रीज का है मेरे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाल मचाने वाला ये मूवी है जो कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं हम आप लोगों के बीच आज हम इस मूवी का स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड रिव्यू करने वाले हैं जी हाँ मेरे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ मेरे भाई अगर आप लोग महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई और मैं बता दूँ कि महेश बाबू का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार मूवी बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका मूवी आ रहा है मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी महेश बाबू का जो है कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉक भी साबित हो चुका है और मैं बता दूं कि ऐसा ही मूवी एक और मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिरुलेरू निकोवार जी हाँ मेरे दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही धमाकेदार ये मूवी है मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को फैंस लोग इसका इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं मेरे भाई कि हम लोग इस मूवी को कैसे और कहाँ देखेंगे मेरे भाई तो मैं आप लोग को इस मूवी का स्टोरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग बिल्कुल मेरे साथ लगभग सात से आठ मिनट तक बने रहिएगा मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ मेरे भाई महेश बाबू का ये जो मूवी है मेरे भाई मैं लगभग दस बार से कम नहीं देखा होगा इतनी मेरे पसंद है ये मूवी मेरे दोस्तों आप लोग को बता दे कि एक्टर के रूप में तो आप लोग को महेश बाबू दिखेंगे ही मेरे भाई लेकिन मैं बता देता हूँ एक्ट्रेस के रूप में रश्मि का मंदाना जो कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल जो कि आप लोगों को इस मूवी में नजर आने वाले हैं तो मेरे भाई बिल्कुल इस मूवी को देखना ना भूलिएगा मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को स्टोरी की ओर लेकर के चलता हूँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे दोस्तों महेश बाबू एक आम इंसान होते हैं और इनको अब्रॉड मतलब शहर जाने का कोई काम पड़ता है काम पड़ता है मेरे भाई गांव से शहर की ओर निकलते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं मेरे भाई तो ट्रेन पकड़ने वक्त ना एक लड़की मिलती है जो रश्मिका मंदाना होती है रश्मिका मंदाना भी उसी ट्रेन में जा रही होती है तो दोनों मिलकर ना एक ही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रश्मिका मंदाना का जो फैमिली होते हैं वो साथ में रहते हैं उसी मतलब उपभोगी में तो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है मेरे दोस्तों और भी एक और भी वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि वो साइड में बैठी हुई होती है तो मैं बता दूँ मेरे दोस्तों कि रश्मिका मंदाना जो हैं धीरे धीरे महेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव फील होता है कि हमसे ये बात करे विचार करे जो कि प्यार का एक भावना होता है मेरे दोस्तों कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बात विचार करने लगते हैं और मैं बता दूं कि उनका जो रश्मिका मंदाना का फैमिली होते हैं बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं मेरे दोस्तों मतलब मानिए तो एक फैमिली की तरह महेश बाबू उस उस ट्रेन में सब लोग साथ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात विचार कर रहे थे लेकिन मेरे भाई रश्मिका मंदाना का तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार होने लगा था महेश बाबू से लेकिन महेश बाबू जो हैं उनको कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहे थे चुपचाप बैठ कर आराम से अपना सफ़र का आनंद ले रहे थे तो यहाँ पर होता है क्या है मेरे दोस्तों की जो रश्मिका मंदाना के फैमिली होते हैं वो लोग भी रश्मिका मंदाना और जो महेश बाबू थे उनसे बात विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों मतलब आपको और इसको दोनों को शादी करना चाहते हैं मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं आप क्या आप क्या बोलते हैं तो महेश बाबू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये आप लोग क्या हमें बोल रहे हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिर इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप से आप लोग को सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और महेश बाबू जो हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी करते हैं आखिरकार यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि जो कि रश्मि मंदाना का फैमिली जो होते हैं मेरे भाई वो काफ़ी ज़्यादा महेश बाबू को प्रेस करते हैं कि मतलब दोनों का शादी हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन मेरे दोस्तों फिर लास्ट में क्या होता है मेरे भाई जब सफ़र ख़त्म हो जाता है जब ट्रेन से वापस उतरते हैं और अपने अपने की रास्ता की ओर ले मतलब और चल जाते हैं मतलब एक ही शहर में दोनों उतरते हैं और के कि महेश बाबू जो हैं कहीं और रास्ता पकड़ लेते हैं और रश्मिका मंदाना के जो फैमिली हैं वो कहीं और रास्ता पकड़ के चले जाते हैं तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि दोनों में तो इतना ज़्यादा प्यार हो ही गया था लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्तों कि फिर एक दिन ऐसा अचानक होता है कि एक दूसरे से फिर मिलन हो जाता है मतलब एक रास्ते में उन दोनों को थोड़ा सा मिलन होता है बात विचार भी होता है कि आप कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं क्या करते हैं दोनों में बातचीत फिर धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिर फिरिश्ता गहरा हो जाता है फिर दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट रहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कॉमेडी आप लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिलता ही है मेरे दोस्तों लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि महेश बाबू जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और मैं बता दूं मेरे भाई महेश बाबू का इतना ही मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मेरे दोस्तों और मैं आप लोग लो को बता दूं कि आप लोग इस मूवी को अगर देखिएगा मेरे भाई तो आप लोग को बार बार देखने को मन करेगा ऐसा लगेगा मेरे दोस्तों कि हम इस मूवी को और देखूँ बार बार देखूँ जी हाँ मेरे दोस्तों इतनी जबरदस्त तरीके का मूवी है मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा फैंस और दीवानेपन का बोलिए तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा और मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस मूवी को तो जरूर देखेगा मेरे दोस्तों लेकिन अगर मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं रिव्यू करता हूं तो थोड़ा सा तो लाइक और सब्सक्राइबर तो बनता है मेरे दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दे कि मेरे दोस्तों कि ऐसा ही आप लोग को रिव्यू हमेशा लाता रहूँगा और मुझे सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा मेरे भाई बाक़ी मेरे दोस्तों मिलूँगा अगली रिव्यू मूवी के साथ में तब तक के लिए मेरे दोस्तों टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी दोस्तों